कोरोना वायरस का नया रूप सामने आने के बाद भारत ने यूके से या वहां से होकर आने वाले लोगों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी कर दिया है। इसके लिए आज रात 12 बजे तक यूके से आने वाले लोगों को एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर टेस्ट कराना होगा। अगर उनमें कोरोना का नया रूप आया गया तो सेपरेट आइसोलेशन में रहना होगा। स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन के बारे में अच्छी खबर सामने आई है। कोवैक्सीन के भारत में फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल हाफ वे मार्क पर पहुंच गए हैं। 13,000 वॉलंटियर्स को रजिस्टर कर वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कंपनी ने फेज 3 ट्रायल्स में भारत में कई साइट्स पर 25,800 वॉलंटियर्स पर वैक्सीन के ट्रायल्स करने का लक्ष्य रखा है। मुंबई एयरपोर्ट के पास ड्रैगन फ्लाई क्लब में पुलिस ने सोमवार रात करीब 2:30 बजे छापा मारा। क्रिकेटर सुरेश रैना समेत 27 सेलिब्रिटीज और 7 स्टाफ के खिलाफ आईपीसी विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। क्लब में ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन खान और सिंगर गुरु रंधावा के अलावा सिंगर बादशाह समेत कई सेलिब्रिटीज मौजूद थे। सेलिब्रिटीज को गिरफ्तार करने के बाद छोड़ दिया गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। 56 साल में लाल बहादुर शास्त्री के बाद एएमयू भाषण देने वाले मोदी दूसरे प्रधानमंत्री हैं। कृषि बिलों के विरोध में किसानों का गुस्सा बढ़ रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को मंगलवार को किसानों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। अंबाला में किसानों ने खट्टर के काफिले पर हमला कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों पर डंडे बरसाए, सीएम को काले झंडे दिखाए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस के साथ धक्का मुक्की में कई किसानों की पगड़ियां गिर गईं। नाबालिग से यौन शोषण के मामले में उम्र कैद काट रहे आशाराम ने जल्द सुनवाई के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी, जिसे हाईकोर्ट के न्यायाधीश संदीप मेहता और रामेश्वर व्यास की खंडपीठ ने मंजूर कर लिया है। दायर याचिका में आशाराम ने अपनी 80 साल की उम्र का हवाला देते हुए जल्द सुनवाई करने की मांग की थी। लंदन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिलने से दहशत है। वहां से लौटी 2 फ्लाइट में कुल 7 पॉजिटिव मिले हैं। इनमें से एक फ्लाइट बीती रात दिल्ली पहुंची। इनमें से 266 लोगों में से 5 को संक्रमित पाया गया। वहीं 2 पॉजिटिव कोलकाता में मिले हैं। ये रविवार को लंदन से कोलकाता आए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च मिलिट्री सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। मोदी को यह अवार्ड भारत अमेरिका के रणनीतिक रिश्ते बढ़ाने के लिए दिया गया है। मोदी की तरफ से यह सम्मान अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधू ने स्वीकार किया। देश में कोरोना के एक्टिव केस लगातार कम हो रहे हैं। सोमवार को यह आंकड़ा 3 लाख से कम हो गया। अब सिर्फ 2,90,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। 17 सितंबर को यह संख्या 10,17,000 के पीक पर थी। अभी औसतन 14 दिन में 1 लाख एक्टिव केस कम हो रहे हैं। यही रफ्तार रही तो जनवरी के आखिरी या फरवरी की शुरुआत तक यह बिल्कुल डाउन हो सकता है। अमेरिका की संसद ने 900 अरब डॉलर के कोरोना वायरस राहत पैकेज की मंजूरी दे दी है। कांग्रेस ने सितंबर 2021 में समाप्त होने वाले अगले कारोबारी साल के लिए 1.4 लाख करोड़ डॉलर के बजट को भी मंजूरी दे दी है। कुल 2.3 लाख करोड़ डॉलर के खर्च विधेयक को मंजूर करने के लिए सोमवार मध्यरात्रि तक की समय सीमा थी।